नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और अभी मैं घर आ चुका था, कल आ गया था, कल शाम को रात में अचानक एकाएक प्लान बना और हम लोग घर आ गए थे। मैं और मेरे एक दोस्त आए थे, तो उनकी गाड़ी आ रही थी, मैं भी लटक के घर आ गया था। तो अभी गांव में हूँ और रात को नींद बहुत बढ़िया आई, सो गया था। तो मैंने सोचा कि चलो दो दिन की छुट्टी है, थोड़ा सा टाइम को चेंज करते हैं और स्पेंड करके थोड़ा सा इन्जॉय कर लेते हैं, थोड़ा घूमना घामना भी हो जाएगा और कोरोना भी थोड़ा कम हो गया। तो हमारे साथ कृष्णा है। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज मकरही की हवेली जो है, कोठी जो है, आज उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो देखते हैं कि कैसा रहता है रास्ते का ट्रिप और किस तरह से हम उसको देख पाते हैं। थोड़ा अगर कोई लोकल मिल गया तो और अच्छा होगा। अब फिलहाल चलते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो वीडियो के साथ बने रहिए और आज की वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, मज़ा आने वाला है। और चलते हैं फिर। भैया कह रहे हैं कि ये इसमें जुताई कर देंगे खेत में तो ये खाद बन जाएगा। तो ये नई नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ऑलमोस्ट लगभग पहुंच ही गए हैं और थोड़ा सा जो है एक जंगल पड़ा है और उस जंगल के बाद एक गांव आता है और उस गांव के बाद सीधे कोठी में लगे रहिए। बढ़िया है। चाचा कौन गाँव है? चाचा कौन गाँव है? सुल्तानपट्टी। सुल्तानपट्टी। हाँ, ये रही मकरही की मार्केट। हम लोग पहुँच गए और यहाँ से जाएंगे नॉर्थ। जैसे जैसे हवेली के पास पहुँच रहे हैं वैसे वैसे उत्सुकता हमारी बढ़ती जा रही है। अच्छा, ये मंदिर है, मंदिर खुला हुआ है, तो थोड़ा हम लोग चलते हैं अंदर की ओर और देखते हैं क्या है। तो हम जो है राधा कृष्ण जी के मंदिर में आ गए और पंडित जी हमारे साथ हैं। और बड़ा पुराना मंदिर बता रहे हैं, 600 साल पुराना, और आज भी वो उसी तरह से टिका हुआ है। तो इसके बनाने की जो कला है, जो शैली है, जो आर्किटेक्चर स्टाइल है और वास्तुकला की जो शैली है, बिल्कुल अद्भुत है, नमूना है अपने आप में। तो मतलब भारत में जो मंदिर बनाने की जो कला है काफ़ी पुरानी है और उसको बिना किसी सरिया, बिना सीमेंट के बनाया जाता था। और कई हज़ारों साल पुराने भी मंदिर आज उसी तरह से टिके हुए हैं।
ये है काफी, इसमें डिजाइन बड़ी अच्छी, मार्बल में जो डिजाइन बनी हुई है काफी अच्छी बनी हुई है। पत्थर के ऊपर अच्छा एक चीज है जो मुझे ऑब्जर्व करने से दिख रही है, जिसमें इसमें जितने चित्र बने हैं सब इसमें कृष्ण की रास लीला, कृष्ण भगवान कृष्ण की जितनी भी मतलब उनकी एक्टिविटीज थी जीवन की जो पूरी है, बचपन से लेके अंत तक पूरे हर चीज को दिखाया गया है। अब जैसे मैं हिस्टोरिकल प्लेस घूमता रहता हूँ तो मुझे काफी नॉलेज हो गया है। हाँ, पूरे पत्थरों पे ये काफी अच्छे चित्र बने हुए हैं, पूरी स्टोरी का पता लगता है भगवान कृष्ण के जीवन के अलग अलग जो पार्ट रहे हैं, जो हिस्से रहे हैं, जो कहानियाँ रही वो सब पूरे मंदिर में जो है वो घेरी गई हैं चित्र के माध्यम से। और ये दो मंजिला बना हुआ है, इसमें कोई छत वगैरह पुराने आज के ज़माने वाली छत नहीं है, सब पूरा पत्थर का ही बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा है। बता रहे हैं यहाँ पे 200 बीघा की बगीचा भी है आम का। अरे 200 बीघा इधर, 200 बीघा इधर, 200 बीघा इधर, 200 बीघा उधर, 400 बीघा। चलो देखते हैं भाई, बिल्कुल काफी भीड़ भाड़ लगने लगी है यहाँ पे, लोग केटीएम से आ रहे हैं घूमने के लिए दूर दूर से। तो ये है एंट्री का रास्ता, ये छोटा सा पुराना कभी गेट रहा होगा और हम लोग चलते हैं इससे अंदर। काफी भीड़ लगी हुई है, आज तो सैटरडे है लेकिन फिर भी चलिए चलते हैं। मैं पहुंच चुका हूं वहां से, अमेठी से चल करके मैं आ गया मकरही की हवेली में आ गया। हमारे साथ भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रतीक अग्रहरी। प्रतीक अग्रहरी जी हैं और ये हमें जो है यहां का टूर कराएंगे। ये क्या बना था? ये बना था राजा साहब का सिंहासन। अच्छा ये यहाँ पर सिपाही भाई रहते थे, यहाँ ऊपर सिपाही रहते थे। अच्छा अच्छा चलिए बड़ी अच्छी बात है। इधर चले। अच्छा ये सब कमरे इसमें टाइल लगी, अगर इसकी मतलब बढ़िया सफाई कर दिया जाए तो अभी भी चमाचम भी चमकेगा, चमाचम रहेगा, रहने लायक हो जाएगा। अरे दो तीन साल। अरे भाई ये क्या बना है नीचे? अरे उठवा ये, इसमें फांसी चढ़ाई जाती थी। ये तो गजब का है। अच्छा दीवारें काली कैसी हो गई? फिल्म शूट इसमें? कौन सी फिल्म? शक्ति। अच्छा 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 उसके लिए काला किया गया था ये। अच्छा अच्छा यहाँ पर रात में भी कोई नहीं आता? रात में आज भी बहुत डरावनी है ये। हाँ अच्छा जो लोग आते हैं, यह आंगन है मेरे हिसाब से, और ये आंगन का हिस्सा मतलब पब्लिक एक्टिविटीज़ के लिए था। ऊपर से महिलाएं पुरुष परिवार के लोग देखते रहे होंगे और यहाँ पे एडिट कर और एक्टिविटीज़ वगैरह यहाँ पे परफॉर्म होती थी। ये आंगन मतलब हर घर का एक सिस्टम था आंगन बनाने का। ये कमरे बने हुए बड़े, बहुत बड़े बड़े कमरे बने भाई। 365 रूम है नीचे, गिन लेना। अच्छा तो ले चलिए भाई, सब जो अद्भुत अद्भुत जगह है वो हमें दिखाइए ना। आइए किधर से। यहाँ लगता है जानवर भी रहते हैं, गाय भैंस वगैरह। 365 रूम है कुल है। ये पुराने जमाने का टॉयलेट बना है क्या? ये अच्छा मतलब उस जमाने में भी
नहीं, उस जमाने में भी टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था थी, कहने का मतलब क्या ये बोलते उसको, वही सब ऐसे जो पाजड़ थे राजा भट जो रखे हुए थे वही सब। ये देखिए हमारे वहाँ से की इनकी तस्वीर ले लीजिए, यहाँ पर हम हमेशा ऐसे रहते हैं। अच्छा, दिनों रात? हाँ, इसी जगह पे। हाँ भैया, इनको खाना वाना क्या मिलता है फिर? ये खाना वाना बहुत खाते हैं। अच्छा, चारा वारा मिलता हाँ, रहता है? बहुत मिलता है इनको, जैसे घास और सूखा बहुत पाते हैं। हाँ हाँ, कितने आंगन कितने कमरे भाई साहब, कितना बड़ा परिवार रहा होगा इनका, राजा साहब का। अरे राजा थे, सिपाही थे, ये तो। अच्छा, यहाँ से ऊपर जाने का? चलिए आइए, थोड़ी सीढ़ियाँ खड़ी हैं और हम लोग चलते हैं ऊपर की ओर। ओ बाप रे, किधर की ओर चले? आपको मूर्ति दिखाइए। चलिए, बहुत भारी भारी मूर्ति है। तो अग्रवाल जी, आप यहीं के रहने वाले हैं और ये क्या बना हुआ है? अच्छा, अंदर से हवा हवा निकलने के लिए ना? नहीं, ये सब है। तो होल क्यों बनाएंगे? मूर्ति है। किसमें? एक मूर्ति, एक कुंडल भी है इसमें। हाँ। अच्छा, इसमें बता रहे हैं भैया मूर्ति है, जरा देख लो। अंदर से जाने की जगह नहीं है क्या? जाने की जगह है वैसे। स्कूल था ये? हाँ। अच्छा अच्छा, ये स्कूल था। से चलते हैं। ओहो भाई, ये क्या बना हुआ है? ये नहाने का, बिल्कुल बेटा सही बताया। ये रानी रानी वगैरह राजकुमारी वगैरह नहाती रही होंगी इसमें। और यहाँ से ऊपर है? ओहो, तो भैया बता रहे हैं यहाँ कोई आता नहीं है रात को, है बिल्कुल बेहद डरावना। अरे ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। अच्छा, इस जमीन के नीचे? हाँ। उसमें जाने का रास्ता नहीं है? और कैसे हो भाई? बढ़िया। ठीक हो? मजा आ रहा है? एकदम मजा आ रहा है। चलो मजा लेते रहो। भैया आप लोग कहाँ से आए? कटोखर करके जगह है। कटोखर से? अच्छा, क्या नाम है? हमारा इंतिशाफ खान। अच्छा अच्छा, शाबाज भाई, कैसे हो? ठीक है, चलिए घूमते रहिए आप लोग। बनाए वीडियो? हाँ, चल रहा है। किधर चले? जहाँ पर आप कहिए वहाँ पर इसमें चले। नहीं, आप बताओ यहाँ की खास जगह है जो है ना बेस। अच्छा, ये भी एक रूम बने हुए हैं, 365 रूम। रूम तो बहुत है भाई। ये सब जब दरवाजे वरवाजे में शीशा सा लगा था। हाँ हाँ, तब जब छत जाने का रास्ता। अच्छा, जब आते थे। हाँ हाँ, बहुत फटी थी, डर मतलब डर लगता था। अच्छा, अरे भाई, वो छोटी कोठी, वो देखो मेन गेट। हाँ, ये कौन सा वाला? वही, वैसे हाथी थी आते थे राजा साहब। अच्छा, ये मेन गेट था और ये छोटी वाली कोठी है ना, उसमें भी जा सकते हैं हम लोग। ऐसे राजा साहब जाते थे, कहाँ से? बैठ जाते थे यहीं से? अरे पहले ऐसे बना हुआ था, पहले ऐसे। अच्छा, ऐसे बना हुआ था। हाँ। वो टूट गया होगा। हाँ। यहीं से हाथी बैठ जाते थे भैया बता रहे हैं।
बहुत कमरे हैं भाई, लेकिन हवादार है बिल्कुल खतरनाक। कहाँ कार है ये? बहुत पुरानी। इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है, इंजन वगैरह कुछ है ही नहीं। इसमें एक खासियत थी। अच्छा, स्टीयरिंग इसकी उल्टी थी जो। अच्छा, ये हाँ ये फॉरेन की रही होगी ना, विदेश से इंपोर्ट की हुई होगी। हाँ। ये कौन चलाता था? ये राजा साहब बैठ के जाते थे। हाँ, ये उस जमाने की कार रही होगी। पहले जब ये बंद था पूरा, आज से 4-5 साल पहले जब ये सब पूरा वहीं से जब ताके। अच्छा अच्छा, अरे बहुत यार गजब बना हुआ है। अगर आज के समय मेंटेन कर दिया जाए ये ना, ये भी सीढ़ी नीचे जाने की सीढ़ी बनी हुई है इधर। अब एक बार इसके ऊपर चले हम लोग। चलो, मतलब सब एक दूसरे में कनेक्टेड है। मतलब ये झरोखा दर्शन है, रानी महारानी खड़ी होकर के यहाँ से निहारती रही होंगी है नज़ारा। इससे ऊपर जाने की सीढ़ी किधर से है? इधर ही से है? नहीं, उधर से भी है, उधर से भी है। अच्छा, बहुत ठीक। ये तो बार बार घूम रहे हैं भैया। मजबूती आज भी अच्छा। ये देखो सीढ़ी आ गई यहाँ से। बार बार कहाँ घूम रहे हो? ये सीढ़ी आ गई। चलिए अभी पहुँचने वाले तीसरे चले थे। लोग पान गुटखा भी खा के थूके हुए। ये है ऊपर का नजारा। अच्छा, शिव को वो भी देखिए, देखिए सिंहासन है राजा साहब का। अरे पूरा बकायदे बना हुआ था इसमें। वो है। अच्छा उधर। इसके ऊपर भी लोग खड़े थे अभी देखा हमने। हाँ हाँ। आपका प्रतीक गृहरी। प्रतीक अग्रहरी। चलें ऊपर टॉप फ्लोर पे। किधर से? अच्छा ये। हाँ भाई ऐसे चढ़ते रहो, वजन भी कम हो जाएगा। ये आगे हम लोग टॉप फ्लोर पे हैं। और दिखाइए पूरा जहाँ जितना है। यहाँ से पूरा दिखा दीजिए ना। 200 बीघा की बाग उधर है, है? वो आम की नदी देख लीजिए ऊपर से। यहाँ से ऊपर से जो है सरजू नदी दिखाई दे रही है। भैया लोग सिद्धार्थ नगर से आए। ओहो, क्या नाम है आपका? हर्ष प्रताप सिंह। भैया आपका? कौशल खान। भाई साहब आप? ब्रजेश कुमार। चलिए बड़ी अच्छी बात है। तो ये अग्रहरी जी के साथ में है और एकदम इस हवेली के जस्ट टॉप पे हैं हम और घूम रहे हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है। और ये पुराने ज़माने की एक रियासत थी, कह रहे हैं कि 600 साल पुरानी बिल्डिंग है। आज भी वैसे की वैसी, थोड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत है क्योंकि जो राजशाही है अब वो नहीं रही, लेकिन परिवार के सदस्य हैं जो लखनऊ में रहते हैं, तो थोड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत है इसको। तो टॉप से कुछ आपको नज़ारा दिखाते हैं। Thank you.
तो दूसरे जीने से आए थे, अब हम लोग चलते हैं दूसरे जीने से नीचे। ये भाई लोगों ने ख़राब कर दिया है दीवारों को, अपना नाम एड्रेस पता नहीं क्या क्या लिख दिया है और कुछ ऐसा। इस बंगले का नज़ारा यहाँ से आ रहा है। यहाँ से भी देखिए बाहर जबरदस्त। अच्छा यहीं से सीधे इसी से देखिए। हाँ ये तो बंद है फिलहाल। वो वहाँ से लाख हुआ है। हाँ, मेन वही था मुझे नहीं, मेन वो है जो आप कह रहे तहखाना है। वो तहखाना किधर से है? मतलब यहाँ पर सांप रहता था इसमें? हाँ इससे बड़ा सांप रहता था। बहुत बड़ा सांप। अब नहीं रहता? नहीं। अच्छा अच्छा इससे बड़ा था। अभी रहता होगा फिलहाल। लेकिन इस तहखाने में जाने का रास्ता कहाँ है? ये वाला? हाँ जाने लायक नहीं। ये है तहखाना भाई। तहखाना में जाने का रास्ता है और इस कमरे के अंदर बना हुआ है। तो इस मकरही की हवेली पर देखने के बाद काफ़ी एंजॉय किया हमने, काफ़ी मज़ा आया। और हमारे साथ भाई लोग हैं, सब लोग अपना अपना नाम बताते जाइए एक साइड से। नाम बताओ। प्रतीक अग्रहरी। रवि सिंह। बताइए भैया। निशांत अग्रहरी। आप तो हीरो लग रहे हैं बिल्कुल एकदम खतरनाक वाले। पहले है? हाँ भैया बताइए। मुकेश अग्रहरी का नाम है। मुकेश अग्रहरी, अग्रहरी। ये सब अग्रहरी लोग हैं आप लोग। हाँ भैया आप लोग बताइए अपना अपना नाम बताइए। नाम बताओ भैया। चलिए ये लोग भैया लोग हैं सब लोग जो है। बताइए भैया अपना नाम। उत्तम। उत्तम जी ठीक भैया। आप? अननोन। अननोन वेरी गुड। नहीं है पंडित जी, नहीं बता सकते हो आप। आपके माता और पिता दोनों लोग हैं। तो इस जगह को एक्सप्लोर कराने में पुनीत अग्रहरी जी का काफ़ी योगदान रहा है। भाई को प्रतीक अग्रहरी सॉरी। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मुलाकात होगी। और हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है मिलते रहेंगे। ठीक है तो इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं और थोड़ा सा आपको जो है सिनेमैटिक शॉट दिखाते हैं इस बिल्डिंग का, उसके बाद चलते हैं घर की ओर। पीछे ये रहा हमारे किला और एक्सप्लोर कर लिया हमने और हम चल रहे हैं अपने घर की ओर। कैसा लगा किला? अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।